आदाब, वेलकम टू वीडियो कॉन जीना इसी का नाम। दोस्तों, एक अंग्रेजी में एक मसल है, बहुत मशहूर है, लगभग ऐसी है कि ऑफन द नाइसेस्ट थिंग्स इन लाइफ कम इन द स्मॉलेस्ट पैकेजेस। अब इस कहावत की तफसील में मैं डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊंगा, तो विदाउट एनी डिले फौरन ही बुलाता हूं, प्लीज तशरीफ लाइए, सुनिधि चौहान। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि भाई मैं गा सकती हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँगी, और मैं जब 4-5 साल की थी तो ऐसे ही पापा के किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे अच्छा गाती है तो क्यों ना हमारे शो में इसे गवाएं। ऐसे शोज़ की शुरुआत हो गई। पहले तो मैं एकदम उफ क्या जादू, लेफ्ट राइट बस आँखें इधर उधर घूमती थी और मैं एकदम बुद्ध की तरह खड़े होकर गाती थी। लेकिन सीरियसली लेना तब शुरू किया जब थोड़ी बड़ी हो गई और एक दो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, और फिर उसके बाद सोचा कि गाते गाते ये महसूस हुआ कि पैशन बन चुका है। ये आपको भी एहसास हुआ होगा कि मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा पुख्तगी के साथ, ज़्यादा वॉल्यूम और ताकत के साथ निकलती है बनिस्बत। स्कूल में भी ऐसा था? लाइक वर यू द स्कूल मॉनिटर? नहीं, मैं बातें नहीं करती थी, मैं तो बहुत चुप रहती थी, सिर्फ गाते वक्त ही आवाज़ निकलती थी। एक मिनट भाई, प्लीज़ आइए, हम अभी पता लगाते हैं। स्कूल में एकदम चुप रहती थी, बहुत शरीफ बच्ची थी, ऐसी बात सही है? ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है, सच में झूठ बात है ये। और जब हम लोग अकेले रहते थे हम लोग बहुत मस्ती करते थे, लेकिन ज्यादातर जब भी टीचर्स की डांट पड़ती थी तो इसकी जगह मुझे पड़ती थी, क्योंकि आई ऑलवेज गेट द पार्ट ऑफ हर स्कोल्डिंग। पहले वो पुरानी यादों में आपको ले जाते हैं, यहाँ देखिए। क्या कातिल पोज है। हाई सुनिधि, हाउ आर यू? आज तुम जिस पोजीशन में हो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं वो दिन याद करती हूँ जब तुम छोटी सी थी, क्लास 6 में पढ़ती थी, मैं तुमको इंटर स्कूल कंपटीशन में ले गई थी, तुमने एक भजन गाया था और वहाँ पे सारे टीचर्स तुम्हारी इतना तारीफ कर रहे थे। मैं चाहती हूँ, मैं भगवान के पास प्रे करती हूँ, तुम एक इंटरनेशनल फिगर बनो और सक्सेस हो तुम्हारा। तुम्हारे लिए मैं हमेशा प्रे करती रहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपको कब ऐसा ये पहला मौका ऐसा कब था जब आपको ऐसा लगा कि किसी संगीत जानने वाले ने या संगीत से जुड़ी हुई किसी पर्सनालिटी ने कहा कि भाई ये कमाल की लड़की है, कहाँ से इसके गले की आवाज़ ऐसी कैसे निकल रही है इतनी अच्छी, ये पहला कब हुआ ऐसा? कभी कभी दिल्ली में स्टार नाइट्स होती थी, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स बॉम्बे से आते थे और कुछ सिंगर्स दिल्ली के गा रहे, कुछ सिंगर्स बॉम्बे के, इस तरह का कुछ शोज़ होते थे, नाइट्स जैसे बोलते थे, मेगा नाइट। तो एक बार एक शो में तबस्सुम जी आई थी, तबस्सुम जी, और उन्होंने, शी वॉज द वन हु एक्चुअली गॉट मी हियर इन बॉम्बे, मैं उनकी डिस्कवरी हूँ आई कैन से, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, बॉम्बे क्यों नहीं आती? और हम लोग ऐसी छुट्टियों के बहाने बॉम्बे जाना हुआ तो सोचा कि फ़ोन लगाते हैं। उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने बहुत प्यार से बात की और कहा कि तुम फौरन घर पे आ जाओ। मैं आपको पहली मुलाकात में क्या होता है बता रहा हूँ, प्लीज आइए, पहली मुलाकात में ही कयामत बात है। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ।
सबसे पहले बम्बई आने की जो है कि इंस्पिरेशन भी और हिदायत भी आप ही ने दी थी। भाई हुआ ये कि हम यहाँ पे शोज कर रहे थे तो हम अपना ट्रूप लेके गए, रोटरी क्लब का शायद शो था, और वहाँ पे मैं अनाउंस कर रही थी कि छोटी सी बच्ची आके मुझे कहती है मैं भी गाना गाऊंगी। मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे हम गवाएंगे तुम्हें, लेकिन जब इंटरवल हुआ तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा मैं आपको गाना सुनाए बगैर नहीं रह सकती, आप अभी सुनिए मेरा गाना, और शुरू हो गई। अरे और इन्होंने जब तान निकाली और गले की मुर्की और जुआरी जो मैंने सुनी तो मैं तो ढेर हो गई। भैया फारूक भैया, मैंने कहा बिटिया तेरी जगह दिल्ली नहीं है, बॉलीवुड में आ जा। मैं उसकी एक झलक आपको यहाँ दिखलाना चाहता हूँ जिसमें तबस्सुम जी भी जलवा फरोज हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तबस्सुम जी आपने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री को कोई कलाकार नहीं दिया, लेकिन जब से सुनिधि आई है मुझे ऐसा लगता है कि तबस्सुम इसमें समा गई है। सुनिधि जी चौहान जी नमस्कार, आपके बारे में मैं नया क्या कहूँ, आपको खुद को मालूम है कि आप महान हैं। समवन हु आई वुड से हैज नो एयर अबाउट द नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट शी हैज ऑन एयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, we can comfortably attribute you with the credit of introducing the western style of voice throwing into the hindi film music scene jise hum falsetto bolte hain. May god bless you, aapke liye it's not applicable for you because you know god has blessed you with very very special kind of talent. Itna zarur kahunga ki may god bless you with some knowledge with the costly mobile that you have bought but don't know how to use. Cheers. आई हमारे बुलाने पर तो हमने कहा कि हम कल्याण जी भाई से मिलवा देते हैं। उन्हीं दिनों हमने शुरू किया था लिटिल वंडर्स, छोटे छोटे बच्चों का शो लेके, तो मैंने कहा कि उसके लिए तो ये ऐसा हीरा है कि पूछो मत। तो कल्याण जी भाई के बर्थडे पे एक चिट्ठी लिख के मैंने उन्हें सुनिधि के हाथ भेजी कि भाई आपको कभी ना मुरझाने वाला फूल मैं संगीत का ऐसा पेश कर रही हूँ जो आपके सालगिरह में इससे ज़्यादा अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता। और उस वक्त बाबुल सुप्रियो मेरे घर में बैठे हुए थे तो वो ये कहने लगी कि हमें तो कल्याण जी भाई का घर नहीं पता, म्यूजिक हॉल नहीं पता। तो मैंने कहा बाबुल प्लीज, तो पीछे पीछे इनकी टैक्सी सामान से लदी हुई और आगे आगे बाबुल अपनी साइकिल मोटरसाइकिल पे और ले जाके कल्याण जी भाई से मिलवाया। हाँ से आप कहाँ कहाँ पहुँच गई। वेलकम बैक, सुनिधि चौहान से बातें हो रही, सॉरी लिटिल वंडर से बात हो रही है, लेकिन उस जमाने के एक साहब हैं जो उनके बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं जब ये लिटिल भी थी वंडर तो तब भी थी, यहाँ से कह रहे हैं। हाँ सुनिधि, मजा आ रहा है ना, जलवे है ना, याद आ रहा है वो दिन गाने से पहले तुमको मैं बोला करता था कि गाना गाने से पहले एक चॉकलेट मिलेगा अगर अच्छा गाना गाया। अभी तुमने जो गाना सुना ना वो पार्टी याद आ रही है तुमको, मेहता जी के वहाँ गए थे अपन और जो जलवे करते थे अपन, आज तुम्हारा बहुत नाम हो गया है। वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि तुमको छोटी एज में इतनी सक्सेस मिल गई है, लेकिन सक्सेस के साथ जीना इसी का नाम ये प्रोग्राम है, इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी तो बहुत कुछ जीना है, इसमें बहुत कुछ आएगा आगे पीछे, सक्सेस भी आएगी फेलियर भी आती है सब कुछ होता है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ में सुकून कब मिलता मालूम है, जब माँ बाप को बुज़ुर्गों को जिन्होंने आपको सिखाया है उनको सबको याद करो, उनकी तहजीब करो, उनका रियल रियाज करो, तो जीवन बड़ा सुखी हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर ऑफ लाइफ, थैंक यू वेरी मच। लिटिल वंडर थे ना, तब एक और साहब से मिलाता हूँ मैं आपको, देखिए बड़े वंडरफुल साहब हैं वो, आइए। हाउ आर यू? अरे बाप, लिटिल वंडर नंबर टू जी, ये सबसे पहले आप इस लिटिल वंडर को कब मिले थे? सबसे पहले मैं तो बहुत छोटा था, ये भी बहुत छोटी थी, लेकिन हम लोगों ने परफॉर्म बहुत किया और शी वॉज ऑलवेज द क्वाइट टाइप, मतलब स्टेज पे जाके एक जगह पे मैं बिल्कुल उल्टा था, मेरे लिए वो पोडियम पीछे कर देते थे, इनका परफॉर्मेंस ख़त्म होता था मैं हिलता डुलता रहता था। तो इनको मतलब बहुत टाइम हो गया जाने और ये है एक पिक्चर मोहरा का एक गाना था डुएट, तो चीज़ बड़ी मस्त मस्त हम लोग स्टेज पे गाते जी 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 जी, इट्स पार्ट ऑफ द एक्ट जी। तो इनका भी एक ग्लासेस रहता था, ये बंडाना रहता था, मैं अक्षय कुमार, ये रवीना टंडन जी, और स्टेप्स थे हमारे और हम साथ में गाते थे। अच्छा आपके स्टेप तो समझ में, सुनिधि आपका स्टेप समझ में नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक कोई स्टेप किया नहीं है। मुझे याद है, शी वाज गुड एट दैट, मैं सिर्फ करते करते एक स्टेप था बहुत अजीब सा, वो ऐसा था ऐसा, ये और मैं करते करते इसको देखती थी। मैं मजेदार बात बताऊं जी जी जी, इन दोनों को वो शो में ही अनाउंस करती थी और ये डांस करते करते बिल्कुल किनारे पे चले जाते थे, तो दोनों को मैंने कहा हुआ था कि भैया बीच में रहो,
ताकि अच्छी तरह विजन मिले, सब तुम्हें देख सके। तो डांस करते करते सुनिधि इसको यूं करती थी, जोर से नहीं करती थी। और फिर मैंने कहा बीच में रहो, तो ये यूं करते थे, तो बस यूं करते 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 वो अपने रवीना टंडन और करते जो है, when did you get your really big first break? Because तब तक ये तो जाहिर हो गया था कि भाई you want to become a professional playback singer. तो आपका पहला break कौन सा? पहला break मुझे आदेश श्रीवास्तव जी ने दिया फिल्म शास्त्र में। मैं 11 साल की थी, उन्होंने इतना comfortably मुझे गवाया। बहुत ऊंचा scale था, लेकिन इतना प्यार से उन्होंने मुझे स्टूडियो में पहली बार एक सिंगर को जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे उन्होंने किया। I'll always be thankful. मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बहुत आपके शो में भी उनका बहुत बड़ा मैसेज है, यहाँ देखिए। हाय निधि, ऐसा लगता कि कल ही तुमने मेरा गाना गाया था, वो लड़की दीवानी देखो लड़का दीवाना। मुझे याद है, मुझे काफ़ी कठिनाई हुई थी उस गाने को फिल्म में रखने के लिए। चूँकि हीरोइन थी 20 साल की या 19 साल की, और प्लेबैक था सिर्फ एक 10 साल और 11 साल की बच्ची ने दिया था। बहुत आगे जाना है तुमको, because you have got a solid talent. I think you are the one only who got a versatile singing. So keep it up. God bless you. एक बात, वैसे तो हम लोगों ने इतने सारे शो साथ में किए, लेकिन इस गाने में भी, मेरे पहले गाने में भी आदित्य उसके हिस्सा थे। उदित जी ने गाया था और आदित्य ने शुरू में जो आपने लाइन सुनी वो तत्ताली थी लुलू लू वन टेक ओके गा के गया था। एनीवे, बहुत सारी यादें हैं उस गाने के साथ। वेलकम बैक सुनिधि चौहान। बहुत अच्छा गाने वाली सुनिधि चौहान से मज़ेदार बातें हो रही हैं। वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है। मैं सुनिधि, आपने बताया कि फिर जो है सिलसिला चल पड़ा, आपको आदेश साहब ने ब्रेक दिया। कुछ और इंटरेस्टिंग ओकेजन्स थे, मौके थे जिनके बारे में एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप वो देखिए और फिर हम बात करते हैं। यहाँ निधि, मुझे पूरी खुशी है कि तुम ने इतनी कम उम्र में जो कामयाबी हासिल की है, आज बेशुमार लोगों की जो मोहब्बत तुम्हें हासिल है, लोगों का अफेक्शन है, अपने प्रोफेशनल फील्ड में तुमने अपनी ख़ास जगह बनाई है, तो हम सब, जिसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, हम सब तुम्हारी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। एक बात का ध्यान रखना कि जब कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है तो गलत कदम भी उठने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ईश्वर तुम पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखे, मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, और तरक्की करो, लेकिन तरक्की की राह में अपना दिमागी तवाज़न, अच्छे बुरे की सूझबूझ का हमेशा ख्याल रखना। बरसते रहो सावन सरीके खेत में, महकते रहो चंदन सरीके देश में, लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में। गुड लक निधि। अच्छा, आपने, माफ कीजिएगा, मुझे अभी कहा कि जब मैं जाती थी तो मैं यूं नहीं देखती थी, बस नर्वस होकर, ऐसा कुछ गाने में लग तो नहीं रहा था? नहीं नहीं, मैं बात कर रही हूँ जब मैं दिल्ली में थी, एकदम ऐसे गाती थी। बॉम्बे आने के बाद थोड़ा एकदम, हाँ, जैसे तबस्सुम जी को मिली तब से एकदम कॉन्फिडेंस में आ गई। नहीं, पता है क्या करती थी, ये जब गाती थी ना तो मैं यूं करती थी, यूं, इसका मतलब स्पार्क से, हाँ। स्पार्क से। और देख लो जो स्पार्क इस बच्ची में है, मैंने तो 50 साल में किसी में नहीं देखा। यही राय कोई और साहब भी कह रहे हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, पहले उनसे बात करते हैं। हाँ। आइए। ये मेरी हाय लिटिल स्पार्क।
बेटू। अच्छा अंकल, जब आप बेटू का परिचय करा चुके। नमस्ते। नमस्ते बेटा, हाउ आर यू? फिर उसके बाद बेटू की मम्मी का भी परिचय करा। बिल्कुल, अरुणिता आंटी जी, मिसेज अनु कपूर जी, और मैं इनके बारे में कुछ भी बोलूं कम है, इसलिए क्योंकि शी इज एवरीथिंग टू मी, कम्प्लीटली, अ सपोर्ट, अ बैकबोन, एवरीथिंग, एंड शी इज माय लाइफ। तो अरुणिता जी, आप सबसे पहले सुनिधि को कब मिली? मैं मिली थी मेरी आवाज़ सुनो के सेट पे, उसके बाद फिर लाइव शोज हुआ करता था अंताक्षरी का, तो ये होस्टेस हुआ करती थी अन्नू जी के साथ लाइव शोज में, तो ऐसे मिलना जुलना हुआ। फिर घर के पास रहती थी तो आना जाना शुरू हुआ, फिर मैं एक टाइम पर इसको पढ़ाती भी थी, मेरी बच्ची है बस, इससे आगे क्या। अच्छा, ये एक इन्होंने एक बहुत एक अजीब और गरीब किस्म के नाम का एक एरा गैरा नथु खैरा उसका क्या था ना, मेरा पहला एल्बम एरा गैरा नथु खैरा। Let's take a little look at Era and Ghaira and Nathu and Ghaira. Hi Sunidhi, I'm really happy that I'm here to speak something about you. At the same time confused क्योंकि इतने सारे moments हमने साथ में गुजारे हैं कि किस moment के बारे में बात करूं, थोड़ा confusing है. But I think पहली बार हम जब मिले थे, हमारी album जो आपकी first album थी Era Ghaira Nathu Ghaira, उस time पे मिले थे, and I still remember and always इमेज वेन आई से सुनिधि जो दिमाग में आती है, द सेम गर्ल इन अ फ्रॉक, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट आई लाइक इज दैट जितना कॉन्फिडेंस आज आपके गाने में है और आप जब गाने गाने आते हो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही था। जस्ट लाइक टू एंड दिस थिंग विद वन थिंग दैट व्हेन एवर यू फील लाइक क्राइंग कॉल मी, मे बी आई माइट नॉट बी एबल टू मेक यू लाफ बट आई विल डेफिनेटली सिट डाउन एंड क्राई विद यू। इस वक्त राजू साहब की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम इनको रुलाना उलाना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि एक और साहब जो इनकी करियर में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मकाम रखते हैं उनकी बात सुन लें, फिर उनके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है वो भी देख लें। यहाँ हाय सुनिधि, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई मेट यू एट गैलेक्टिका स्टूडियोज, यू केम देयर, यू सैंग देयर एंड यू लेफ्ट दैट डेमो टेप ऑफ योर्स। आई वेंट अराउंड टेलिंग एवरीबॉडी दैट लिसन टू दिस सिंगर, शी इज़ वर्ल्ड क्लास, एंड यू गॉन out of the way to prove to me that I was right. I see you being number one in the world. You're world class, Sunidhi Chauhan, you're world class. How did you feel jab unhone kaha sahab ye ek major heroine urmila matondkar ke liye aap you will be the playback? Nahi, main jab ye gana mujhe phone aaya 15 din ki meeting ke baad, 15 din ke baad phone aaya, unhone bola ki Ramu ki ek film hai, Ram Gopal Varma ji, और उसमें वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू वॉइस, सो वी डिसाइडेड दैट शी विल सिंग। तो अगले दिन जब मैंने गाना गाया तो गाना बहुत अच्छा हो गया, सोनू जी के साथ ड्यूएट था। सोनू जी वॉज द वन जिन्होंने मुझे संदीप जी से मिलाया और आज उनकी वजह से हूँ मैं, क्योंकि ना मैं उनसे मिलती ना वो मुझे संदीप जी से मिलाते और ना मुझे अप्रूव करते मेरी वॉइस। तो मैं गई, मैंने पूरा गाना गाया, ड्यूएट हो गया, बहुत खुश हो गए सब। हम लोग मिले दोबारा और रामू जी प्रोमोज काट रहे थे, एडिटिंग रूम में थे और उन्होंने बुलाया, व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड सी अस। मैंने जब देखा तो देखा कि मेरी वॉइस उर्मिला मातोंडकर पर है। ये जो ब्रेक था मेरे लिए, इट वॉज अ मेजर मेजर ब्रेक। मैं सुनिधि चौहान ही इस ब्रेक की वजह से बनी, और एक गाना नहीं दो नहीं बट मुझे तीन गाने इस फिल्म में मिले गाने के लिए। एक और जो आपकी जिंदगी और कम अज कम करियर में बहुत अच्छी तरह शामिल है, मैं चाहता हूँ ये मिलने। आप आपने पहले सुनिधि को कब सुना या कब देखा? मेरी मम्मी कल्याण जी भाई आनंद भाई के ग्रुप में बतौर कोर सिंगर गाती थी, तो वो घर आके कहती थी एक नई लड़की है सुनिधि चौहान, यू हैव टू कम कभी शो में आके उन्हें सुनो। तो तब से नाम तब से सुनते आ रहा हूँ। वेलकम बैक, सुनिधि चौहान से बातें होनी, ये वीडियो कौन, जीना इसी का नाम है मैं। और जैसे जैसे मतलब ब्रेक में हम लोग बातें कर रहे थे, ये तो बिंदास हो रहे थे और शान साहब भी हो रहे थे, शान साहब कहीं और चल दिए, बिंदास नंबर वन यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इनके मतलब कैरेक्टर और नेचर और इनके तबीयत के कई पहलू हमको जानने को मिले। मैं चाहता हूँ कि पहले तबस्सुम जी यहाँ आएँ और फिर मैं एक और मेहमान को बुलाना चाहता हूँ। आगे बात, प्लीज़ आइए।
कैसे हो तुम? अब मैं समझी कि आपने मुझे पहले क्यों बुलाया। जी। एक दफे फरीदाबाद में हमारा शो था और फरीदाबाद के शो में हमारी नन्ही सी गुड़िया ने जब अपनी आवाज निकाली तो सारा हिंदुस्तान थरथरा गया और चारों तरफ ऐसी वाह वाह हुई कि पूछो मत। और एक बड़ा हसीन खूबसूरत सा गोरा चिट्टा लड़का आया और आके मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, तबस्सुम दीदी क्या डिस्कवरी है आपकी, क्या खोज है, कहाँ से ढूंढ के इस बच्ची को आपने निकाला है, क्या गाती है? और मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया तो मैं सबसे पहले इससे गाना गवाऊंगा। और जानते हैं वो कौन था? वो ये हजरत थे आनंद राज आनंद। 1990 में I could not even think कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे बॉम्ब। मैं मुझे खुद गाने का ही शौक था तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ सिंगर। तो वहाँ पे मैंने कहा, मैं देखिए मेरा शौक तो गाना है लेकिन अगर कभी मैं बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है, गाने का शौक है, तो मैंने वहाँ पर ऑडियंस में बहुत भारी 20-25 हज़ार का क्राउड था। मैंने कहा देखिए मैं वादा करता हूँ, अभी तो मेरा अपना नहीं पता है वैसे तो, लेकिन ये है कि अगर कभी बन गया तो सुनिधि को मैं ज़रूर गवाऊंगा। तब ये भी बॉम्बे में इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, मैं तो मतलब अभी भी नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो? सुनिधि के लिए मैं इतना कहूँगा, जहाँ भी आज सुनिधि है शी डिज़र्व्स, डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड तो है, लेकिन तहजीब और तेवर का जो एक संगम होता है ना, मैंने देखा कि जब रोमांटिक गाना भी संदेश ने पीछे गाना गवाया था जो चमेली का, आई लाइक इट वेरी मच, तो मैंने देखा कि जो एक रंग है आवाज़ में अपने एहसास को बदल कर, एक आई थिंक शी इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर्स डिलाइट। इससे मिलती जुलती एक और इनके फैन हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मुझे एक इंसिडेंट बहुत याद अच्छा आता है सुनिधि का, जब हमने गाना कर लिया मस्त माहौल में जीने दे, व्हिच लेटर ऑन बिकेम सच अ ह्यूज ट्रेंड। आई रिमेंबर उसके बाद हमारे एक एसोसिएशन, क्रिएटिव एसोसिएशन बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन जितने भी मैंने गाने तुम्हारे साथ किए हैं सभी गाने लोकप्रिय हैं, सभी गाने हिट हुए हैं। मैं आज सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं तुझे कहता हूँ, तुझे भी कह रहा हूँ अभी, कि सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई अच्छी तरह कॉपी करता है वो तू करती है। खास करके मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं एक पिक्चर कर रहा था अजनबी, और अजनबी में मैंने गाना बनाया, मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतजार। तो आई टोल्ड माय डायरेक्टर्स अब्बास भाई, मस्तान भाई, कि मुझे कोई अलग आवाज़ चाहिए एंड आई वुड लाइक टू टेक सुनिधि फॉर दिस। उस वक्त सुनिधि ऐसे गाने गाते नहीं थे, एंड जब मैंने ये गाना किया तो यू जम्प्ड, यू लव द ट्यून, लेकिन यू डिलीवर्ड द गुड्स, और उसके बाद सडनली आई थिंक तेरे में भी वो कॉन्फिडेंस जाएगा कि आई कैन सिंग दीज टाइप ऑफ सॉन्ग्स। ऑल द बेस्ट टू यू, thank you so much, unfortunately I'm not there, so don't get angry with me, and all the best to you in your career Sunidhi, bye bye. Anu Malik ne aapke liye bahut acha sandesh diya, ek aur sandesh aa raha hai aapke liye, aaiye. Adab Sandesh saab, how are you? पहले जब इनको देखा या सुना तो वो क्या तजुर्बा था, क्या आपने इनको कैसे चांस दिया? मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया था कि सुनिधि चौहान एक सिंगर हैं, और ये कुछ 5-6 साल पहले की बात है, तो मैं कभी इनसे मिला नहीं था, मैंने भी नाम सुना था। हाँ, मैंने नाम सुना था इनका, और ये स्टूडियो में आई तो आने के बाद जब मैंने देखा तो आई फ्रॉक पहने हुए थे और काफ़ी छोटी थी, और मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कि यार ये डायरेक्टर की बात मान के कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर ये आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे और डरा दिया, ये कह के कि मैं थोड़ा लेट इसलिए आई हूँ कि मेरा 9th के एग्ज़ाम्स थे, और मैं अब 9th में मैं क्रिकेट खेला करता था, मुझे पता ही नहीं था कि तो, लेकिन जब इन्होंने गाना गाया तो मुझे लगा कि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रही हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना कुछ ऊपर वाले ने इनको दिया है। और इनफैक्ट जब ये अब ऐसा ये आलम है कि जब मुझे पता होता है कि ये गाना सुनिधि गाएंगी तो मैं ये मान लेता हूँ कि बस अब छोड़ दो उनके ऊपर। वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है और मुलाकात हो रही है मधुबाला की, ना जाने किस किस की बहुत अच्छी नकल करने वाली और बेहद अच्छा गाने वाली सुनिधि चौहान से। आपने गाना सीखा किसके पास? बचपन से मैं, मेरा जो प्रैक्टिस रहता था वो लता जी के गाना सुनना, लता जी के गाने सुनना। अपने आप? हाँ, अपने आप, क्योंकि पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि मैं सीखना नहीं चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दो जगह गई भी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि
पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, या मुझे ये जगह सूट हो रही है, ऐसे दिमाग में कहीं ना कुछ क्या था वो मुझे भी नहीं मालूम था. तो मैंने रियलाइज़ ये किया बाद में कि मैं जो घर पर प्रैक्टिस करती हूँ लता जी के गाने लगा के, उनके साथ गाना डेढ़ दो घंटे कभी कभी तीन घंटे सुबह शाम बहुत प्रैक्टिस करती थी, उनके चुने हुए गाने कुछ 10-20 गाने रोज़ गाती थी. Do you take care of your throat? Yeah, पीने का मतलब? मैं सब कुछ खाती हूँ, पानी पूरी एवरीथिंग एंड एनीथिंग. बट हाँ ऑब्वियसली अगर गला ख़राब है और मुझे मालूम है मुझे अगले दिनों में काम करना है तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं गले ख़राब में और ख़राब चीज़ें खा लूँगी और ख़राब करूँ. कोई एक चीज़ आपके गानों में नोटिस करते हैं हम सब, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फील दैट यू पुट फ्रॉम योर साइड इनटू द सॉन्ग. राइट. अब या तो ये इसमें आता है कि आप फ़ौरन ही गाना सुनते ही समझ जाती हैं और गौर करती हैं कि ये कौन एक्ट्रेस होगी, इसका क्या सिचुएशन है, ये तो एक सूरत. हाँ, वो नहीं करती. और दूसरे की होती है कि आदमी के अंदर एक अपने अंदर एक जज्बाती उसकी तबीयत होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और वो अपनी तरफ से फील पैदा करता है. विच इज़ इट फॉर यू? कौन किसके लिए मैं गा रही हूँ या गाना पढ़ना या उसकी एक्सप्रेशन समझना वो तो होता ही है, लेकिन एक होती है कि अंदर की बात, एक खुद को फील करना, फील करना गाने के लिए. या कुछ नोट्स होते हैं पूरे गाने में, कभी कभी एक नोट होता है जो आपको इधर लगता है और ऐसा लगता है कि आह क्या गाना मिला है. तो वो मेरे साथ होता है, मे बी इट्स समबडी इनसाइड में हुआ जो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन वो आ जाता है. एक मिनट के लिए मैं भूल जाती हूँ, मैं पता नहीं क्या होता है मुझे और मैं पूरे उस गाने में. आपकी कोई नकल करने वाला बैठा है शायद. आर यू इन नॉर्मल लाइफ बहुत जज्बाती किस्म की शख्स हैं आप? I was curious to know about this, yeah. Because you do pack a lot of emotion into your song. It has to come from. There are times when बहुत कुछ दिमाग में होता है, मन में होता है. मैं कभी रोक नहीं पाती अपने इमोशंस को. मैं अगर दुखी हूँ तो मेरे आँखों पे दिख जाता है, मुँह पे आ जाता है. लेकिन काम एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए गाना. अगर मैं एक बार गा रही हूँ तो यकीन मानिए जैसे कोई अपना जेवर उतार के एक टेबल पर रख दे, वैसे ही अपने सारे सॉरोज़ या प्रॉब्लम्स मैं स्टूडियो के बाहर रख कर मैं अंदर एंट्री करती हूँ और फिर गाती हूँ. कभी कभी वही दुख मुझे हेल्प भी करते हैं कुछ गाने गाने में. आज से 10 साल के बाद या 15-20 साल के बाद सुनिधि चौहान कहाँ होगी, आपका क्या तस्वीर है, आप क्या सोचती हैं? हर आदमी का एक एम्बिशन होता है कि मैं यहाँ तक करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी वो मेरी कोई हद नहीं होनी चाहिए. मेरा ये मानना है मैं कोई हद नहीं रखना चाहती. अगर हद सोचूंगी एग्जैक्टली मेरी अगर वो हद है तो मैं यहाँ तक ही पहुँच पाऊंगी. अगर मैं कोई हद देख नहीं पाऊंगी तो मैं शायद उस हद से आगे बढ़ पाऊँ. व्हेन विल वी सी, विल वी सी सुनिधि चौहान एक्टिंग? एक्टिंग ऑब्वियसली वी ऑल आर सिंगर्स, आई मीन दे आर एक्टर्स, क्योंकि वो किसी और के लिए गाते हैं. तो एक्टिंग तो मन में हर किसी के है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है और मैं जब फिल्म देखती हूँ कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये रोल मैं करती तो कितना अच्छा करती. और मैं कभी कभी वो डायलॉग्स थोड़े कॉपी करके लिख कर शीशे के सामने करती भी हूँ. लेकिन मुझे नहीं लगता, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी टू गेट इनटू एक्टिंग, मे बी आफ्टर 2.5-3 इयर्स फ्रॉम नाउ. एक साहब हैं जो इसके इससे इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हमको बता सकते हैं, आइए प्लीज. अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनकी डांसिंग टैलेंट और इनकी पोटेंशियल एक्टिंग टैलेंट के बारे में. अगर मैं इनका भांडा फोड़ दूं तो आप उसके उस पर काफी रोशनी डाल सकते हैं. नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब कह रहे थे बच्ची और ये और टैलेंटेड, ये हम सबको बेच के खा जाए. शी इज गॉट दैट काइंड ऑफ माइंड, बट बिकॉज शी इज सो हम्बल एंड बिकॉज शी इज सो शी इज अ नाइस ह्यूमन बींग विच शी इज कीपिंग अप विद इन स्पाइट ऑफ हर पॉपुलैरिटी एंड हर टैलेंट. बट एक्टिंग के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं वरना हम आपकी एक्टिंग नहीं देख पा रहे और फिर ये जो करती हैं वो हमको देखना है. फर्स्ट म्यूजिक वीडियो तो हम पहुंच गए जयपुर, शूटिंग कर रहे हैं. सिर्फ 4 घंटे लगे पहला शॉट लेने में मैडम. ऑल शी हैड टू डू वाज बिहाइंड दिस पिलर शी हैड टू डू दिस एंड स्माइल, बट दैट वाज अ फर्स्ट टेक. बट नाउ व्हेन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन शी पिक्स अप थिंग्स लाइक दिस, शी इज गॉट अ ब्रिलियंट ब्रेन. दरअसल क्या है कि इससे पहले कि हम मतलब शो को उसके फिनाले पे लाएं, मैं चाहता हूं कि फिनाले उस तरह का हो जिस तरह का सुनिधि चौहान का एपिसोड का फिनाले होना चाहिए. मैं उसको मतलब फिनिश नहीं करना चाहता. मैं ये बात कह के आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ. जिस तरह का गाना ये गाती हैं, जिस अंदाज से गाती हैं और जितने जज्बे के साथ गाती हैं, मुझे इसके सारे जो है इम्कानात मालूम होते हैं कि शी इज़ इंडीड गोइंग टू मेक अ वेरी मच बिगर नेम ऑन द इंटरनेशनल सिंगिंग सीन. बेहद अच्छा लगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपसे बातें हुई, कम बातें हुई, ये ज़रा दब दब के बातें की इन्होंने. लेकिन
हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और इससे पहले कि हम रुखसत हों, मैं चाहता हूँ कि ये लोग आएँ और दरअसल सुनिधि को जो है एक अच्छा फिनाले दे के शो को ख़त्म करें। आइए housewife in the world.